गुड इवनिंग मनीष, वेलकम टू टैक्स 10। वी विल सी हियर 10 टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे बैक टू बैक। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन CEAMA अर्ज फाइनेंस मिनिस्ट्री टू इंक्रीज इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं CEAMA, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिकमेंड किया है जो अपकमिंग बजट है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाए, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करेगा, उससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको बेनिफिट मिलेगा। द CEST-80 न्यू दिल्ली इन मिसर्स वैभव ग्लोबल लिमिटेड के केस में CEST-80 न्यू दिल्ली ने डिसीजन दिया है। सब्सटैंटिव बेनिफिट ऑफ रिफंड क्लेम कैन नॉट बी डिनाइड ऑन टेक्निकल रीजन। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था, ये जो वैभव ग्लोबल लिमिटेड है उन्होंने ER2 रिटर्न फाइल किया था जिसमें उन्होंने सेनविट क्रेडिट क्लेम करना था वो कम दिखाया था। बाय मिस्टेक जो फिगर था वो उन्होंने कम फिगर दिखाया था ER2 जो भी फाइल किया था June 17 का उसमें। तो बाद में जब उन्होंने क्लेम किया जो उनका एक्चुअल क्रेडिट था तो वो जो डिपार्टमेंट है अलाउ नहीं कर रहे थे। ये केसेस में CEST-80 का डिसीजन आया है कि टेक्निकल रीजन से अगर कुछ इश्यूज हो गए हैं रिटर्न फाइलिंग में या एन ऑल दो तो वो केसेस में रिफंड डिनाइड नहीं कर सकते हैं। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट इंक्वेस्ट ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, डायरेक्टेड द टैक्स पेयर टू प्रोवाइड प्रॉपर क्रेडिट नोट टू न्यूट्रलाइज द एलिज्ड एक्सेस GST पेमेंट एज रिफंड क्लेम फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर और SCCs इज बार्ड बाय लिमिटेशन। मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया है ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के केस में। उन्होंने एक्सेस पेमेंट किया था बिल पे और उसका रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया था, बट जो पेटिशनर है उन्होंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया था आफ्टर 2 ईयर्स, जबकि अंडर सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट जो रिफंड क्लेम करना होता है विदिन 2 ईयर्स, तो उसके बाद उन्होंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया था तो जो डिपार्टमेंट है वो उनका रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो पेटिशनर ने अपील फाइल किया था बिफोर मद्रास कोर्ट, तो अगेन मद्रास कोर्ट का भी डिसीजन आया है कि जो रिफंड एप्लीकेशन है वो टाइम बार्ड है, विदिन टाइम लिमिट आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना होता है और अगर आपने विदिन टाइम लिमिट रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है तो जो एज पर रूल्स होते हैं उसके हिसाब से डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट किया। दूसरा जो पेटिशनर था उनका कंटेंशन ये था कि उन्होंने सिस्टम ने रॉन्ग बिल नंबर सेलेक्ट किया था, तो सिस्टम के इशू के कारण उन्होंने एक्सेस पेमेंट किया था तो उसपे टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, बट जो कोर्ट है कोर्ट का डिसीजन आया कि सिस्टम की वजह से इशू हुआ उसका कोई प्रूफ पेटिशनर ने दिया नहीं और उन्होंने बोला कि अगर मिस्टेक हो गया पेटिशनर से तो दे शुड रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। जो भी इशूज होते हैं GST 10 के अंदर उसको रेक्टिफाई करने का ऑप्शन होता है इन सक्सीडिंग मंथ। तो ये सब के लिए जो मद्रास हाई कोर्ट ने है उन्होंने अब बताया उनको कि आप ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप ये क्रेडिट नोट इशू करके ये जो भी इशूज है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, बट एज पर प्रोविजन ऑफ GST एक्ट अगर ये टाइम बार्ड है रिफंड एप्लीकेशन तो आपने एक टाइम लिमिटेशन के बाद फाइल किया है तो ये रिफंड क्लेम रिजेक्ट ही होगा, अप्रूव नहीं होगा। CGST पालघर कमिश्नरेट अरेस्टेड वन फॉर कमिटिंग GST फ्रॉड ऑफ 181 करोड़। पालघर डिस्ट्रिक्ट में CGST पालघर ने एक पर्सन को अरेस्ट किया है, वो बेसिकली GST का काम करता था, GST कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता था और क्लाइंट थे उसे जो GST नंबर थे उसपे वो बोगस इन्वॉइसेस इशू करते थे विदाउट नोटिस ऑफ द टैक्स पेयर्स। सो ये केसेस में CGST कमिश्नरेट ने वो पर्सन को पकड़ा है, इसमें उन्होंने 1000 करोड़ का बोगस इन्वॉइसेस इशू किए थे और उसमें से 181 करोड़ का जिसमें GST का फ्रॉड आया। न्यू फंक्शनलिटी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन GSTR 3B इज नाउ लाइव ऑन GST पोर्टल। GSTN की एडवाइजरी आई है ऑन 26 जनवरी 2022, जिसमें उन्होंने बताया कि जो GST अभी रिसेंटली ये प्रोविजन आया था कि 3B के अंदर ऑटोमेटिकली GST इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे GSTR 3B में, तो ये जो फंक्शनलिटी है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का वो अभी पोर्टल पे लाइव हो गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री FIPI अर्जेस फाइनेंस मिनिस्ट्री टू इंक्लूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर GST रिजीम। जो FIPI है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अर्ज किया है कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है पेट्रोल डीजल ऑयल्स तो उसको GST रिजीम के अंदर लाया जाए, बिकॉज अभी जो ओल्ड रिजीम है वैट रिजीम है वहाँ पे टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ते हैं और उसके कंप्लायंसेस भी वहाँ पे ज्यादा होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्रोविजन होते हैं, जैसे कि रेट में जो आंध्र प्रदेश में
जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वैट लगते हैं वो 24.5%, यूपी में 14.5% लगते हैं, गुजरात में 15% वैट लगते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें यूनिफॉर्म टैक्सेशन रिक्वायर्ड है, और अगर ये इंक्लूड नहीं करते हैं जीएसटी के अंदर, जीएसटी रिजीम के अंदर, तो इसका जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट होगा। तो ऐसा ये फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने अर्ज किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अदानी विलमार आईपीओ इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। अदानी विलमार के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए चालू है आज से 27 जैन से। 27 जैन से 31 जैन तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेंगे, एंड इसका जो अलॉटमेंट है वो 3 फरवरी को होने वाला है और इसकी लिस्टिंग 8 फरवरी को होगी। ये आईपीओ बाय करने के लिए 65 शेयर्स का लॉट है, जो कि 218 एंड 230 का प्राइस रेंज में आप ले सकते हैं पर लॉट। ईवी बिल जनरेशन अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम रोज 11.5% टू 23.5 लैक्स पर डे फॉर द वीक एंडेड जनवरी 23, 2022। ये जनवरी 23 जो वीकेंड हुआ है वो वीक में पर डे 23.52 लैक्स ईवी बिल जनरेट किए गए हैं, जो कि 11.5% ज्यादा है लास्ट प्रीवियस वीक से। प्रीवियस वीक में 21.1 लैक पर डे का ईवी बिल जनरेट हुआ था, बट अभी ये जो 23 जैन को वीक एंड हुआ है उसमें 11.5% का इंक्रीज है, 23.52 लैक्स पर डे ईवी बिल जनरेट हुआ है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट लिफ्टेड ए स्टे ऑर्डर अर्लियर टू डायरेक्ट रिकवरी इंटरेस्ट अक्रूड टू द एसोसिएट। ये भारतीय एयरटेल का केस है जहाँ पे जीएसटी अथॉरिटी ने लेट पेमेंट के लिए उन्होंने इंटरेस्ट लगाया था। बेसिकली ये उनके जो जीएसटीआर 1 में जो आउटवर्ड सप्लाई थी और जीएसटीआर 3B में जो नेट लाइबिलिटी दिखाए गए थे उसमें डिफरेंसेस थे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, और उसके लिए वो जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंस थे 29.88 करोड़ का, और उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने 5.77 करोड़ का इंटरेस्ट लगाया था। बिकॉज जो भी डिफरेंसेस थे 29.88 करोड़ के वो बाद में कंपनी ने पे कर दिया था, 392 डेज बाद उन्होंने पे किया था, जब ड्यू डेट था फाइल करने का दिसंबर 2018 में ड्यू था पे करना, बट उन्होंने जनवरी 2019 में पे किया था। तो इसके ऊपर जो भी लेट फीस थे, लेट पेमेंट हुआ टैक्सेस के लिए 5.77 करोड़ का इंटरेस्ट रिकवरी था, और जो प्रोविजन था कि वो विदाउट इशूइंग नोटिस वो इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द कंपनी। बट जो कोर्ट का डिसीजन था, कोर्ट ने डायरेक्ट रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट विदाउट नोटिस ये प्रोविजन पे उन्होंने ये लगाया हुआ था कि आप विदाउट नोटिस इंटरेस्ट रिकवर नहीं कर सकते हैं। बट अभी इन भारतीय एयरटेल के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये जो स्टे ऑर्डर था वो हटा लिया है। तो अभी ये केस इसमें क्या हो सकता है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो एसएससी से डायरेक्टली इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं विदाउट सर्विंग अ नोटिस। वो डायरेक्टली समन कर सकते हैं, या फिर उनके गुड्स कन्फिस्केट कर सकते हैं, उसको सेल करके रिकवर कर सकते हैं, या फिर अगर उनके आईटीसी उनके पास आईटीसी है, आईटीसी लेजर में बैलेंसेस है तो वहां से डिडक्ट कर सकते हैं। सो एनी ऑफ द मोड डिपार्टमेंट के पास अभी ये स्टे ऑर्डर हटने के बाद अथॉरिटी होगा कि वो डायरेक्टली विदाउट सर्विंग द नोटिस वो इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द एसएससी। बैंक्स एक रिलीफ फ्रॉम जीएसटी नोटिसेस स्पेशल डिस्प्यूट मैकेनिज्म। अभी बैंक्स को नोटिसेस आ रहे हैं, जो बैंक्स है वो बोल रही है कि जो जीएसटी है वो पैनल इंटरेस्ट पे नहीं आना चाहिए। जो बैंक्स पेनल्टी लगाती है टू द कस्टमर्स फॉर द लेट पेमेंट और नॉट कम्प्लाइंग विद द अदर थिंग, तो वो केसेस में जो पेनल्टी पोर्शन है उस पे जीएसटी नहीं आना चाहिए, और उसके लिए जो बैंक्स है उनको नोटिसेस आते हैं। जो बैंक्स है उन्होंने आईबीए के थ्रू, इंडियन बैंक एसोसिएशन के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्ट्री को अर्ज किया है कि ये जो पेनल्टी लगाती है बैंक उस पे जीएसटी नहीं आना चाहिए, और जो डिपार्टमेंट है उसको स्पेशल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के डिस्प्यूट ही रिजोल्व करे। बिकॉज जो बैंक्स के केसेस पेंडिंग होते हैं उसमें ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, तो जो बैंक्स के केसेस है और उसको अदर दूसरे केसेस से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज कंपेरेटिवली जो मनी इन्वॉल्व होता है, मॉनिटरी थिंग इन्वॉल्व होते हैं इन बैंक के केसेस में, वो ज्यादा होता है। तो इसके लिए उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को आईबीए ने अर्ज किया है कि बैंक्स के लिए वो एक सेपरेट स्पेशल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाए कि वो एक विद इन ए टाइमलाइन वो डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सके। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल।